बीजेपी के एक और नेता आए फर्जी डिग्री मामले में सामने। नए बने मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरीवाल निशंक भी कथित फेक डिग्री विवाद में खुद को घिरा पा सकते हैं। नाम के आगे डॉक्टर लगाने के उनके शौक ने उन्हें श्रीलंका स्थित अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से दो दो बार डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया, जबकि यह विश्वविद्यालय श्रीलंका में पंजीकृत ही नहीं है। दरअसल 90 के दशक में कोलंबो की ओपन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने रमेश पोखरियाल निशक को शिक्षा में योगदान के लिए डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर की डिग्री दी। इसके कुछ वर्षों बाद उन्हें एक और डिग्री मिली विश्वविद्यालय से। इस बार विज्ञापन में योगदान के लिए उन्होंने दूसरी डिग्री दी गई। चौंकाने वाली बात यह है कि पहले भी स्मृति ईरानी का नाम भी कई बार विवादित तरीके से सामने आता रहा है, लेकिन उनकी डिग्री कब बनी, कैसे बनी, आज तक लोग कंफ्यूज हैं। चौंकाने वाली बात एक और है कि विश्वविद्यालय श्रीलंका में ना तो विदेशी और ना ही घरेलू विश्वविद्यालय के तौर पर रजिस्टर्ड है। श्रीलंका में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसकी पुष्टि भी की। पिछले साल देहरादून में फाइल हुई एक आरटीआई पर उनके बायोडाटा के बारे में आधी अधूरी जानकारी आई। इतना ही नहीं, उनकी सीवी और पासपोर्ट में अलग अलग जन्मतिथि दर्ज है। सीबी के अनुसार पोखरियाल का जन्म 15 अगस्त 1959 को हुआ, जबकि उनके पासपोर्ट में 15 जुलाई 1959 है। 5 जुलाई 1958 को उत्तराखंड में पौड़ी में जिले के पिंगानी गांव में जन्मे निशक के हेमवती बहुगुण गढ़वाल विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की। उसके पास पीएचडी। रमेश पोखरियाल ने निशाने सफाई देते हुए कहा कि जहां तक मेरी अलग अलग जन्मतिथि का सवाल है, हिंदू जन्मपत्री और स्कूल में मेरी जन्म तिथि अलग है। ऐसा सामान्य तौर पर सबके साथ होता है। मैंने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। मैंने अलग अलग जन्मतिथि से कभी कोई लाभ नहीं लिया। ईरानी भी आ चुकी हैं एक बार घेरे में। पिछली सरकार में जब स्मृति ईरानी मानव संसाधन एवं विकास मंत्री थी तो उनकी डिग्री पर भी विपक्ष सवाल उठाता रहा है। विपक्ष का कहना है कि 2004 और 2014 में शैक्षिक योग्यता के स्मृति ईरानी अलग जानकारी दी। 2014 में स्मृति ईरानी एफडीबीट में दिल्ली यूनिवर्सिटी से आर्ट डिग्री में स्नातक होने के बाद भी लिखी थी। वही 2014 में उन्होंने अमेठी राहुल के खिलाफ चुनाव लड़ने में 1994 के अंदर 1994 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉमर्स पार्ट में एक स्नातक होने के बाद लिखी थी। इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने डिग्री को लेकर हमला बोला है। बीजेपी के अधिकतर नेता इस तरीके की विवादित बातों में फंसते रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।